अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉकनेटिक्स। जैसा कि आप दोस्त जानते हैं कि ये हमारा चैनल है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए हवाले से, और इसमें हम डेली रिव्यू और कुछ जो है वो मखसूस कंपनीज के बारे में भी बात करते हैं। तो तमाम दोस्त जो हैं वो ज़रा प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दिया करें और लाइक भी कर दिया करें। चलते हैं जी आज की वीडियो की तरफ। आज जो है वो मार्केट 26 पॉइंट्स जो है वो प्लस में बंद हुई है। मार्केट का आगाज तो आज कुछ बेहतर था, लेकिन बाद में जो है वो इसका मार्केट जो है वो नेगेटिव में भी रही। मार्केट ने जो है वो 40,745 का हाई लगाया और उसके बाद फिर 40,400 तक लो पे भी गई। आजकल मार्केट जो है वो साइडवेज में है, ना ज्यादा ऊपर जा रही है ना ज्यादा नीचे जा रही है, बस 40,500 के आगे पीछे जो है ये मार्केट चल रही है। कभी 200 पॉइंट ऊपर चले जाती है, कभी 200 पॉइंट नीचे चली जाती है। तो जैसा कि हमने कल भी बात की थी कि मेरे लिए जो सबसे अहम चीज है वो मार्केट का वॉल्यूम है, जो कि कुछ खास नहीं है। तो ये मार्केट का जो वॉल्यूम है, इसके कम होने की वजह से मार्केट जो है वो कभी ना तो ज्यादा ऊपर जा पा रही है ना ही ज्यादा नीचे। तो अभी साइडवेज में है मार्केट। मार्केट जो है बेसिकली ये एक किसी न्यूज का इंतजार कर रही है। तो अच्छी न्यूज आएगी तो यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाएगी, बुरी न्यूज आएगी तो मार्केट यहाँ से नीचे चली जाएगी। तो मार्केट जो है वो फिलहाल साइडवेज में है। अगर हम इसको टेक्निकली देखें तो चलते हैं investing.com पे। आज की कैंडल देखते हैं। ये देखिए, कल हमने बात की थी इस कैंडल के हवाले से, और मैंने कल ये आपसे कहा था कि इसकी विक जो है वो नीचे है। तो उसमें हमने ये कल बात की थी कि उम्मीद है कि मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी, और मार्केट जो है वो आज ऊपर गई। लेकिन ये जो कैंडल बनी है ये कोई इतनी होपफुल कैंडल नहीं है कि जिसकी बिना पर हम ये कहें कि चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो कल को मजीद ऊपर चली जाएगी। कल भी मार्केट जो है वो ये गुज़िश्ता अगर आप देखें तो 1, 2, 3 और 4, ये 4-5 दिन से जो है वो ये मार्केट जो है ये साइडवेज में भी चल रही है, ना ज्यादा ऊपर जा रही है ना ज्यादा नीचे। तो अभी भी इस कैंडल के हिसाब से भी मेरा नहीं ख्याल कि मार्केट जो है वो ज्यादा ऊपर जा पाएगी कल, या ज्यादा नीचे जा पाएगी। अगर हम इसको इंडिकेटर्स की मदद से देखें तो ये देखिए कि ये बोलिंजर बैंड की कल मैंने बात की थी कि जब तक ये मार्केट जो है ये इस 20 DMA लाइन के ऊपर कैंडल यहाँ पे क्रिएट नहीं होती, तब तक हम नहीं कह सकते कि मार्केट का मूड है ऊपर जाने का। तो आज भी जो है वो मार्केट बिल्कुल आप देखें कि 20 DMA लाइन को इसने टच किया, लेकिन वहां पर सस्टेन नहीं कर पाई और सेलिंग प्रेशर के बायस ये नीचे आ गई। अगर हम RSI देखें तो ये देखिए कि आज की जो RSI है उसमें भी ये थोड़ा सा आगे से ये जो है ये कर्व बन रहा है ये वाला, तो जिसके ये इंडिकेशन है कि शायद ये कल थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाए। तो बहरहाल ये इसको इतना नहीं हम मैटर कर सकती ये चीजें, क्योंकि मार्केट जो है ये इसमें कुछ वॉल्यूम्स नहीं है, तो इसकी बुनियाद पर कोई खास प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती इंडिकेटर्स के हवाले से भी। तो जो दोस्त जो है इसमें एंट्री के हवाले से पूछ रहे थे, उनके लिए आज भी वही आंसर है कि अभी आप वेट करें, और अभी नई बाइंग जो है वो मेरे ख्याल में नहीं करनी चाहिए जब तक के कैंडल जो है ये 20 DMA लाइन के ऊपर नहीं बनती। और जिन दोस्तों के पास है स्टॉक्स हैं वो उसको होल्ड करें, क्योंकि अभी मार्केट जो है ये गुज़िश्ता इस पूरे हफ्ते में जो है वो साइडवेज पे रही है, ना ज्यादा ऊपर जा रही है ना ज्यादा नीचे जा रही है, वॉल्यूम भी जो है वो को खास नहीं लग रहे। तो ये हफ्ता जो है ये साइडवेज में भी ही रहा,
और कल भी इसी चीज की जो है वो उम्मीद की जा सकती है कि कल भी साइडवेज ही रहेगी मार्केट, और नेक्स्ट वीक फिर देखेंगे इंशाल्लाह। और इसका हम जो है वो वीकली रिव्यू भी बनाएंगे एक, कल शाम को कोशिश करेंगे कि एक इस ये जो वीक गुजरा है इस पूरे वीक का जो है वो हम वीकली रिव्यू भी करें मार्केट के हवाले से। और इंशाल्लाह आज से जो है वो हम स्पेसिफिक स्टॉक्स के हवाले से भी वीडियो शुरू करेंगे। तो तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि ज़रा लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि इसके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो ज़रा बढ़ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।